नमस्ते एवरीवन, आई एम उर्वी पंड्या, इंटरनेशनल योग टीचर, एंड आज हम करने वाले तितीब आसना। तितीब आसन मीन फायरफ्लाई पोस्चर। फर्स्ट एडवांस पोस्चर में काउंट कर सकते हैं। सेकंड बैलेंसिंग योग आसन है। थर्ड, ये आसन की प्रैक्टिस के टाइम पे आपका बॉडी वार्म होना जरूरी है। सो वार्म अप कीजिए, बेसिक एक्सरसाइज कीजिए और उसके बाद एडवांस आसन की प्रैक्टिस कीजिए, जिससे बॉडी वार्म होगी तो आसन आप इजीली कर पाओगे। इसमें आपको फॉरवर्ड बेंडिंग की प्रैक्टिस रेगुलर करनी है, लेग स्ट्रेचिंग की प्रैक्टिस रेगुलर करनी है एंड रिस्ट एक्सरसाइज, रिस्ट की स्ट्रेंथ बढ़े उसके लिए रिस्ट की एक्सरसाइज कीजिए, फॉरवर्ड बेंडिंग की एक्सरसाइज कीजिए, जिससे आपकी फॉरवर्ड बेंडिंग इंप्रूव हो और आप ये आसन को इजीली कर पाओ। सो फॉरवर्ड बेंडिंग, लेग स्ट्रेचिंग एंड रिस्ट की आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी है और उसके बाद आप ये प्रैक्टिस कर सकते हो। फर्स्ट आप बॉल का सपोर्ट ले सकते हो या किसी के सपोर्ट के साथ प्रैक्टिस कर सकते हो, ब्लॉक्स का सपोर्ट ले सकते हो। नाउ लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट स्टेप, दोनों लेग्स ब्रॉड रखना है, योगा मैट्स की साइज या उससे थोड़े से ब्रॉड, जिसमें आप कंफर्टेबल हो। नाउ इनहेल एंड एक्सहेल, गो फॉरवर्ड। जब हम फॉरवर्ड जा रहे हैं सो हिप्स आउट आएगी और नी स्ट्रेट, दोनों हाथ योगा मैट। नाउ अगर कुछ, अगर फॉरवर्ड बेंडिंग अच्छी नहीं है तो हाथ नीचे नहीं पहुंच रहे तो आप नीज बैंड कीजिए, दोनों हाथ को योगा मैट पे रखिए। नाउ इनहेल एक्सहेल, दोनों हाथ अंदर की साइड जाएगा बट आपको देखना है फ्रंट साइड, ना ज्यादा ऊपर ना नीचे, दोनों हाथ योगा मैट पे टच करने का ट्राई कीजिए। एल्बोज बैंड, नाउ एल्बोज एंड यहां पे हमें उस पर बैठना है। सो इनहेल एंड सिट, आगे की साइड देखना है, नीचे भी नहीं ऊपर भी नहीं ज्यादा। एंड स्लोली फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप हमें जस्ट लेग स्ट्रेट करने का ट्राई करना है। ब्रीथ नॉर्मल एंड आप एल्बो बैंड भी कर सकते हो, एल्बो स्ट्रेट भी कर सकते हो। अगेन बोथ लेग्स बैंड, इनहेल एंड एक्सहेल कम बैक। आप सपोर्ट के साथ कैसे प्रैक्टिस कर सकते हो, जस्ट चाहिए दोनों लेग्स ब्रॉड रखने, इनहेल एक्सहेल गो फॉरवर्ड एंड यस। सो फर्स्ट जब आप फॉरवर्ड जा रहे हो नीज बैंड कीजिए, दोनों हाथ बैक साइड एंड हिप्स का सपोर्ट ले सकते हो एंड देन इनहेल एंड एक्सहेल, सपोर्ट के साथ हमें प्रैक्टिस करनी है लाइक दिस। सपोर्ट भी मिल जाएगा, नी स्ट्रेट रखनी है, फीट जो है पॉइंटेड या 90 रख सकते हो एंड देन कम बैक। स्पेशली जैसे मैंने बोला, तितीब आसन की प्रैक्टिस में लेग स्ट्रेचिंग, फॉरवर्ड बेंडिंग एंड रिस्ट एक्सरसाइज, ये तीन चीज ऐड करनी है। बैलेंसिंग आसन है तो शोल्डर एंड रिस्ट की स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए, फॉरवर्ड बेंडिंग फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, बैलेंसिंग ग्रिप पे कंट्रोल होगा तो आप होल्ड कर पाओगे। अगेन दोनों लेग्स ब्रॉड, इनहेल एंड एक्सहेल गो फॉरवर्ड, दोनों हाथ योगा मैट पे, नीज बैंड, एल्बो बैंड, इनहेल एंड एक्सहेल गो फॉरवर्ड, लेग्स अप, नॉर्मल ब्रीथ, सामने की साइड देखना है एंड इनहेल एक्सहेल, दोनों लेग्स योगा मैट पे एंड कम बैक। सो दैट्स इट, सिंपल है। आप वॉल के सपोर्ट से प्रैक्टिस कीजिए या फिर आप ब्लॉक्स के सपोर्ट से कीजिए या किसी के सपोर्ट के साथ प्रैक्टिस कीजिए। जैसे मैंने बोला, कोई भी एडवांस आसन, बॉडी वार्म हो तब प्रैक्टिस करनी है। पोस्चर में जाना कैसे है, पोस्चर में से वापस कैसे आना है, दूसरा वो हमें प्रॉपर पता होना चाहिए। प्रॉपर टेक्निक के साथ प्रैक्टिस करेंगे, रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे, होल्ड करेंगे एंड ब्रीथ पे फोकस रखेंगे, तभी वो आसन बेसिक टू इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट टू एडवांस लेवल तक जाएगा। सो यस, कीप डूइंग योर, स्टे हैप्पी एंड हेल्दी, एंड अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगेन थैंक यू सो मच।